जो हमारे जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको सॉल्व करें, नहीं तो 21 जनवरी को यहाँ पे हम जम्मू में एक बड़ा को हम 21 जनवरी को हम एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, मेगा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के एटलीस्ट सारे टीचर्स यहाँ पे आएंगे और ये प्रोटेस्ट फिर प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है जब तक ये हमारा हल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। बात करेंगे रहबरे खेल फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स की, जो एक लंबे अरसे से अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाए हुए हैं, लेकिन क्या मजाल के सरकार इनकी और एक कोई तवज्जा दे। पिछले दिनों आपको याद उन्होंने बीजेपी ऑफिस का घेराव किया था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर किया था और तब इनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपको LG मनोज सिन्हा जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जल्द ही आपके मसाइल की ओर तवज्जा दी जाएगी। लेकिन करीबन आज 20 दिन गुजर गए हैं, अभी तक इनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से नहीं हुई है। हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए रहबरे खेल फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट धीरज सलारिया जी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सलारिया जी क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी यकीन दहानियाँ भी करवाई गई और पिछले दिनों जब आपने प्रोटेस्ट किया तब भी आपसे यही कहा गया कि LG मनोज सिन्हा से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, आज करीबन 20 दिन गुजर चुके हैं, क्या लगता है आपको क्यों इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है आप लोगों के साथ? पहले तो थैंक यू सर कि आप हमेशा हमारी वॉल्यूम को रेज़ करते हो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देखो पिछले 2 साल से हम मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, कंटिन्यू हम रोड्स पे हैं। क्या बीच में कोरोना वायरस आया था, उसी टाइम पे कोरोना काल में भी हम बाहर थे, सड़कों पे थे, हम अपनी फैमिलीज़ को घर में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो हम बड़े ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, गवर्नर हाउस का घेराव किया था, उसके जो पहले एक महीना पहले जो हमने 24 दिसंबर को बीजेपी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उससे पहले हमने वहाँ पे किया था गवर्नर हाउस का घेराव। लेकिन हमें वहाँ से भी कॉल आती हैं कि आपको हाँ जी आप रेडी रहो, LG सर से आपको मिलना है, लेकिन फिर बाद में हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती है। 24 को हमने बीजेपी ऑफिस के बाहर घेराव किया था, तो उनसे हमने यही किया थी, रिक्वेस्ट थी कि हमें LG सर से मिलाओ और हमारा जो इतनी देर का 2 साल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके ऊपर कुछ एक्शन करवाओ फास्ट, सेंटर में आपकी सरकार है, सब कुछ है, आपके हाथ में है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये इन्होंने लाइव में, इनके जो स्टेट के वाइस प्रेजिडेंट हैं उन्होंने लाइव भी हमारे मीडिया के सामने बोला था कि हम इनको मंडे ट्यूज़डे इनको हम LG सर से मिलवा देंगे। आज देखो सर उस बात को भी 20 डेज हो गए हैं, तो हम लोग गवर्नर हाउस का भी घेराव कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, बीजेपी का भी घेराव, ऑफिस का घेराव, तो अब हमें ये समझ नहीं लग रही हमारी मतलब कि जो फरियाद है हमारी वो कौन सुनेगा, हम किसके पास जाएं, तो क्या करें, अब रोड हम टीचर्स हैं, हम क्या रोड ब्लॉक करके बैठ जाएं यहाँ पे, या हम क्या करें, हमारी कौन सुनेगा, टीचर्स की अगर मतलब कि यहाँ पे सुनवाई नहीं हो पा रही है तो फिर किसकी सुनवाई होगी यहाँ पे। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को और ये BJP के मिनिस्टर्स को मैं एक रिक्वेस्ट और मैं अपनी तरफ से अपनी एसोसिएशन की तरफ से ये बात बोल देना चाहता हूँ कि सर अगर हमारी जल्द से जल्द मैटर हल नहीं हुआ, आने वाले 21 जनवरी को हम एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले, मेगा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के एटलीस्ट सारे टीचर्स यहाँ पर आएंगे और ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है जब तक ये हमारा हल नहीं होगा कुछ। आपको क्या लगता है कि बार बार सिर्फ यकीन दहानियाँ ही करवाई जाती हैं, कोई भी काम नहीं होता? सर ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है जिसको हम नहीं मिले हैं, तो सब ने आश्वासन से ही दिए हैं कि मतलब कि आपका काम होगा होगा होगा, लेकिन होगा कब, मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि आपका काम नहीं होगा। तो अब ये मतलब कि हम आश्वासन भी सुन सुन के मतलब हम लोग थक गए हैं कि मतलब कि कोई फेथ होता है कि कोई हम इस पर ट्रस्ट करें, ये हमारी बात को रख रहे हैं, तो हम भी वेट करते हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट ही करते हैं, हमने किसी को अभी तक ये नहीं किया, हमने कोई प्रोटेस्ट देखोगा आपने, हमने सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट ही किया होगा, कभी कोई ये नहीं कोई तोड़ फाड़ जो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एजुकेटेड टीचर्स हैं सारे। तो अगर आप PhD डॉक्टरेट को नेट सेट को जहाँ इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप मतलब इस तरह से 100 रुपीज़ पर डे से हिसाब से ट्रीट करोगे तो वो उनका फ्यूचर क्या है, उनकी फैमिली का फ्यूचर क्या है। हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन फिरदोस साहब भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे फिरदोस साहब? अब काफ़ी अरसा हो गया, एक लंबे अरसे से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कोई आपकी बात सुन नहीं रहा, सिर्फ यकीन दानियाँ ही करवाई जाती हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे कि आपने बताया कि हर टाइम पे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। इससे पहले हम BJP ऑफिस का घेराव किया था, वहाँ पे हमें बिल्कुल मीडिया में उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि विद इन 3-4 डेज़ के हम एक मीट करवाएंगे आपके LG साहब से और जो आपकी जेन्युइन डिमांड्स हैं,
कि उनको हल करवाने की कोशिश की, लेकिन आज 20 दिन हो गए लेकिन वो आश्वासन ही आश्वासन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने मुश्किल हालात है, 3000 में अपना घर चलाना, अपनी फैमिली को चलाना, अपने बच्चों को चलाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अभी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो बीजेपी के मिनिस्टर्स, उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि जो हमारा मसला है कि इस पे आप थोड़ा सा सीरियस हो जाए और हमारा जो जेन्युइन डिमांड्स है इनको हल करवाने की कोशिश करें। कहीं हम ऐसा मजबूर ना करें हमें कि हम इतना ज़्यादा तंग आके कुछ ऐसा काम करें जिससे गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमारी जो एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि 21 जनवरी को एक मेगा प्रोटेस्ट होगा जम्मू में, तो उसमें J&K के सारे टीचर्स आएंगे, क्योंकि हमें यही लग रहा है कि हम ना उम्मीद हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मसला है कि हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं और हमारे मसले पे अभी कोई काम नहीं हो रहा है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 21 जनवरी तक, अभी टाइम है, अभी 6-7 दिन है, अभी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि 21 जनवरी से पहले जो हमारा मसला है इस पे कोई पेशरफ्त करें और जो हमारे जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको सॉल्व करें, नहीं तो 21 जनवरी को यहाँ पर हम जम्मू में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। साफ़ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि यकीन दानियों पर यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं, लेकिन अभी तक हमारे मसाइल हल नहीं हुए और 21 जनवरी को ये लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले ही उन्होंने सरकार से और जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया से ये अपील की कि उससे पहले ही हमारे मसाइल को हल किया जाए, और हम भी उम्मीद करते हैं, हमारी भी LG मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश रहेगी कि इन लोगों की ओर तवज्जो दी जाए। 3000 में तो आज घर नहीं चल सकता, तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इनके मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएं ताकि ये लोग भी आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।